नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy A05 versus Samsung Galaxy F34 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Samsung Galaxy A05 में 6.65 इंच जबकि F34 5G में 6.37 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Samsung Galaxy A05 से कम है। विड्थ की बात करें तो Samsung Galaxy A05 में 3.08 इंच जबकि F34 5G में 3.04 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Samsung Galaxy A05 से कम है। बात करें थिकनेस की तो दोनों फोन में सेम ही 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Samsung Galaxy A05 में 195 ग्राम जबकि F34 5G में 208 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि Samsung Galaxy A05 से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Samsung Galaxy A05 में PLS LCD जबकि F34 5G में Super AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Samsung Galaxy A05 में 6.7 इंचेस जबकि F34 5G में 6.46 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Samsung Galaxy A05 में 720x1600px HD जोड़ और F34 5G में 1080x2340px FHD जोड़ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Samsung Galaxy A05 में 82.1% जबकि F34 5G में 81.88% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Samsung Galaxy A05 में 262 पिक्सल प्रति इंच जबकि F34 5G में 399 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Samsung Galaxy A05 में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और F34 5G की बात करें तो इसमें 1 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 50 MP 1.8 कैरेट वाइड एंगल कैरेट प्राइमरी कैमरा लेस देन BR ग्रेटर देन 12 MP 2.2 कैरेट अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा लेस देन BR ग्रेटर देन 5 MP 2.4 कैरेट मैक्रो कैमरा लेस देन BR ग्रेटर देन देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Samsung Galaxy A05 में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और F34 5G की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Samsung Galaxy A05 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं, और F34 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Samsung Galaxy A05 में Mali G52 MC2 जबकि F34 5G में Mali G68 MC4 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Samsung Galaxy A05 में MediaTek Helio G85 और F34 5G में Samsung Exynos 1280 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 6 GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 128 GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1 TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V13 देखने को मिलती है। बैटरी Samsung Galaxy A05 में 5000 mAh जबकि F34 5G में 6000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं।
कलर्स की बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी A05 में 3 कलर्स जबकि F34 5G में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो सैमसंग गैलेक्सी A05 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 12,499 रुपीस में मिल जाता है और बात करें F34 5G की तो वो 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 16,999 रुपीस में मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में F34 5G आगे है। मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में F34 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें मोटो G84 है, दूसरा मोटो G14 है, तीसरा पोको M6 Pro 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi 13C है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।